हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान में विद्युत से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तरी, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट मतलब बल्ब तंतु बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट हम जानेंगे डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट हम जानेंगे थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। नेक्स्ट हम जानेंगे फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक की। नेक्स्ट हम जानेंगे विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC को दिष्ट धारा मतलब DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। नेक्स्ट हम जानेंगे ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC वोल्टेज के उपचयन या अपचयन के लिए। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग किया जाता है पाराबाष्प तथा आर्गन का। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रतिदीप्ति बल्ब मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है। इसका आंसर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। नेक्स्ट हम जानेंगे तांबा एक विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट हम जानेंगे फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट हम जानेंगे भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसका आंसर है तापीय विद्युत। नेक्स्ट हम जानेंगे मानव शुष्क शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण होता है 10^6 ओम। नेक्स्ट हम जानेंगे अतिचालक मतलब सुपर कंडक्टर वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे टॉर्च, इलेक्ट्रिक ड्रॉवर आदि में प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में आम तौर पर प्रयुक्त किया जाता है निकिल और कैडमियम। नेक्स्ट हम जानेंगे वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है, पारद, बाष्प तथा आर्गन। नेक्स्ट हम जानेंगे एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम जानेंगे डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट हम जानेंगे अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट हम जानेंगे बिजली के खपत का बिल आधारित होता है वॉट के मापन पर। नेक्स्ट हम जानेंगे 100 वॉट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी 1 इकाई मतलब 1 यूनिट। नेक्स्ट हम जानेंगे एक कार में बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट हम जानेंगे फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे टरबाइन तथा डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा का रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट हम जानेंगे सुरक्षा के लिए प्रयुक्त फ्यूज तार बनी होती है टिन और सीसो के मिश्र धातु से। नेक्स्ट हम जानेंगे परम शून्य मतलब 0° केल्विन तापमान पर अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध होता है अनंत। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है और यह कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिव करंट उपयोग नहीं है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। नेक्स्ट हम जानेंगे विद्युत सप्लाई में सुरक्षा के लिए उपयोग में आने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे विद्युत प्रदाय में प्रयुक्त फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे घरेलू विद्युत तार स्थापन में मूलता होता है समांतर संबंध। नेक्स्ट हम जानेंगे 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाता है आधार सिरे से मतलब अर्थ वाले सिरे से। नेक्स्ट हम जानेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर।